खबर शामिल करते हैं। डेरा गाजी खान से हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ सुहेल अहमद खाकवानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जीशान जावेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास कमेटी रूम में मुनक्द हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स अहमद हसन रांझा, सैफुर रहमान बलवानी, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर नैयर आलम और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन के लिए साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, रेस्क्यू 1122 और मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। कमेटी आवारा कुत्तों की काउंटिंग और इनकी अफजाइश रोकने बारे तजावीज़ देगी। कमेटी के अरकान और स्टाफ तमाम यूनियन कौंसिल्स का विजिट भी करेंगे और जिन इलाकों में कुत्तों के काटने के वाकयात और आवारा कुत्तों की भरमार होगी इनकी भी निशानदेही की जाएगी, जिस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला भर में कुत्तों के काटने के वाकयात की मुकम्मल तफसीलात फराहम और आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन के अलावा की निशानदेही भी की जाए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड को मुकम्मल तौर पर फाल किया जा रहा है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। इंसानी ज़िंदगी के तहफ़ में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। रेस्क्यू 1122 की रिस्पॉन्स टाइम लिमिट को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेरा गाजी खान के रानी बाजार में लटकती बिजली की तारों को कंट्रोल किया जाए, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इकदाम हमारी तरजीह हैं। बाजारों में तजावजात का खात्मा, गैर ज़रूरी रेडियो का दाखिला रोका जाए। इजलास में कोहे सुलेमान में किसी भी एमरजेंसी से निपटने की हवाले से इकदाम भी जेरे गौर आए। क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा।